गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 9, प्रतापगढ़ मेक्स हिस्ट्री। फर्स्ट वी हैव लुक व्हाट वी हैव लर्न इन प्रीवियस वीडियो। आदिल शाह परटर्ब्ड, कि किस तरीके से आदिल शाह का जो राज्य है पूरा परेशान रहता है शिवाजी के कारनामों की वजह से। देन खान एक्सेप्ट्स द चैलेंज, जो उनके कोर्ट में से एक पर्सन होता है जायंट पर्सन अफजल खान, वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि वो शिवाजी को कैदी बना के उसे यहाँ पे लेकर आएगा, मीन्स बीजापुर कोर्ट में लेकर आएगा, और अगर ये पॉसिबल ना हो तो वो उसकी डेड बॉडी, मतलब शिवाजी की डेड बॉडी अपने साथ लेकर आएगा। और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान था अफजल खान। ये देखकर शिवाजी को महसूस होता है कि मतलब अफजल खान के इस मूवमेंट को देख के कि वो किस तरीके से बड़ी आर्मी के साथ पूरे जंग के सामान के साथ महाराष्ट्र की तरफ आ रहा है, ये देखकर शिवाजी को अपना जो स्वराज है वो ख़तरे में दिखाई देता है। तो क्या करते हैं शिवाजी महाराज जो है अपना हेड क्वार्टर राजगढ़ से प्रतापगढ़ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और ये देखकर अफजल खान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो फिर वो अलग अलग तरीके से मतलब तरकीबें लगाता है, चालाकियां करता है कि किसी भी तरीके से शिवाजी को वो उस प्रतापगढ़ से बाहर नीचे की तरफ ला सके। वो उनके लोगों को परेशान करता है, उनकी होली सिटीज़ पे अटैक करता है, लेकिन उसके बाद भी शिवाजी बाहर नहीं आते हैं। फिर उसके बाद में वो एक तरकीब करता है कि अब एक दोस्ती भरा मैसेज शिवाजी को भेजता है कि तुम मेरे बेटी की तरह है और आओ मुझसे मिलो, और जो हमारे फोर्ट्स तुम्हारे पास है वो हमें रिटर्न कर दो, और मैं आदिल शाह से मतलब आदिल शाह के कोर्ट में तुम्हें देखूंगा कि मतलब आदिल शाह तुम्हें अपनी कोर्ट में सरदार बना दे। पर शिवाजी को पता होता है कि ये कितना चालाक इंसान है, तो शिवाजी भी उसी के मतलब चालाकी से काम लेते हैं और उसके रिप्लाई में उसे ये रिप्लाई देते हैं कि खान साहब, आई एम गिल्टी ऑफ हैविंग कैप्चर्ड योर फोर्ट्स। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, आपके फोर्ट्स को कैप्चर किया है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझसे आए और इस प्रतापगढ़ के फुट हिल्स पर मिले। और मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ आपसे मिलने के लिए, कि मैं नीचे आऊँ और आपसे मिलूँ। ये सुन के वो जो अफजल खान होता है वो बहुत ज़्यादा दिली दिल में खुश होता है और डिसाइड करता है कि वो खुद वहाँ जाएगा प्रतापगढ़ और शिवाजी से मिलेगा। ठीक, तो शिवाजी का ये प्रपोज़ल वो एक्सेप्ट करता है। द मीटिंग प्लेस, द माची ऑन प्रतापगढ़ वॉज चूजन एज द मीटिंग प्लेस। जो माची होती है उसके निचला जो रास्ता होता है वहाँ पे मिलने की जगह डिसाइड हो जाती है। अ डेट एंड टाइम वॉज फिक्स्ड, एक डेट और टाइम फिक्स किया जाता है। इट वॉज़ एग्रीड दैट ईच वन वुड बी अकम्पनीड बाय अ सर्वेंट एंड फॉलोड बाय 10 बॉडीगार्ड्स एट अ डिस्टेंस। ये डिसाइड होता है कि दोनों शिवाजी और अफजल खान के साथ एक सर्वेंट और 10 बॉडीगार्ड होंगे, जो बॉडीगार्ड्स को मतलब बॉडीगार्ड दूरी पे रखे जाएंगे। अ स्पेशल रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द खान। जैसे आपको पता है जो प्रतापगढ़ था वो पूरी तरीके से चारों तरफ से पहाड़ियों से और जंगल से घिरा हुआ था, इस वजह से अफजल खान के कन्वीनियंस के लिए एक रोड कंस्ट्रक्ट किया गया और एक बड़ा सा शामियाना लगाया गया ताकि वो मीटिंग वहाँ पे कर सके। एवरी मूव ऑफ शिवाजी वॉज मार्क्ड बाय अ ग्रेट क्वेश्चंस। शिवाजी जो है यहाँ पे बड़ी चालाकी से काम ले रहे थे। ही डिवाइडेड हिज आर्मी इनटू स्मॉल यूनिट्स, उन्होंने अपनी आर्मी को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर दिया। ईच यूनिट वॉज टोल्ड वेयर टू हाइड एंड वैन एंड हाउ टू एक्ट। हर एक यूनिट को ये बता दिया गया था कि वो कहाँ छुपेंगे, कब और कैसे उन्हें क्या करना है, ये सब शिवाजी ने उन्हें बता दिया था। ही टुक एवरी मेजर फॉर सेफ्टी एंड लेफ्ट नथिंग टू चांस। उन्होंने जो सेफ्टी का था उन्होंने सारे मेजर्स ले लिए थे, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने हर एक चीज़ कर ली थी और वो कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। मैनी ऑफ हिज एडवाइज़र ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम मीटिंग दी खान, और जो उनके एडवाइज़र्स थे वो उन्हें मना कर रहे थे कि आप खान से ना मिले, उन्हें रोक रहे थे। द खान्स वर्ड कुड नॉट बी ट्रस्टेड, खान के जो वर्ड्स है उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता।
बट शिवाजी ब्रश्ड असाइड दिस एडवाइस एंड डिसाइडेड टू मीट दी खान एज अरेंज। बट शिवाजी ने उनकी ना सुनी और जो अरेंज हुआ था, जो जगह डिसाइड हुई थी, वहाँ पे खान से मिलने के लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था। बिफोर मीटिंग, अब जो उनकी मीटिंग थी, मुलाकात, उसके पहले क्या हुआ। वन डे ऑफ द मीटिंग शिवाजी विजिटेड भवानीज टेम्पल इन द मॉर्निंग एंड टुक दर्शन। अब मीटिंग मतलब जो मुलाकात थी, उसके एक दिन पहले शिवाजी जो है भवानी के मंदिर जाते हैं, उनकी गॉडेस के टेम्पल जाते हैं मॉर्निंग में और उसके दर्शन करते हैं। सून आफ्टर ही स्टार्टेड पुटिंग ऑन हिज सेरेमोनियल क्लोथ्स। उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, अपने जो पोशाक होती है, उनके जो रस्मी कपड़े होते हैं, वो पहनते हैं। ही वोर हिज सुरवर एंड कोट ऑफ मेल। कोट ऑफ मेल वो होता है जैकेट कवर्ड विद द मेटल रिंग्स और प्लेट। ये देखिए, ये जो है ये कोट ऑफ मेल है। ये पूरा किससे बना होता है, मेटल के रिंग्स और प्लेट से बना होता है। तो वो क्या करते हैं, उस वो अपना सेरेमोनियल कपड़ा पहनते हैं और उसके ऊपर ये कोट पहनते हैं। ओवर द कोट ऑफ मेल ही वोर अ कुर्ता एंड अ फ्लोइंग रोब। और उस जो कोट ऑफ मेल होता है, आप उससे क्या कह सकते हैं, क्लोथ मतलब ऐसे उस जैकेट के ऊपर वो अपना कुर्ता पहनते हैं और फ्लोइंग रोब जो एक गाउन की तरह होता है ना, वो पहनते हैं। ऑन हिज हेड ही प्लेस्ड द जार टॉप हेलमेट। वो अपने सर के ऊपर एक जार टॉप पहनते हैं जो हेलमेट की तरह होता है, जो प्रोटेक्शन के लिए होता है। एंड टाइट अ मंदिल अराउंड इट। मंदिल जो पगड़ी होती है, वो क्या करते हैं, उस जार टॉप उस हेलमेट के ऊपर अपनी पगड़ी को बांधते हैं। ही फिटेड वागनक ऑन टू द फिंगर्स ऑफ हिज लेफ्ट हैंड। एक वागनक होता है, वो अपने हाथ के उल्टे हाथ की उंगलियों में वो पहन लेते हैं। हिडन इनसाइड द लेफ्ट स्लीव्स वॉज अ बिछुआ। और अपने लेफ्ट स्लीव्स में एक बिछुआ, एक छोटा खंजर है, वो छुपा लेते हैं। एंड ही कैरिड द दंड पट्टा इन हिज हैंड। और अपने हाथ में दंड पट्टा वो लिए रहते हैं। ही वॉज नाउ रेडी टू फेस द खान। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है कोट ऑफ मेल। वो जो जैकेट होती है जो मेटल की रिंग से बना होता है, ये वो अपने कुर्ते के अंदर पहनते हैं। और ये है वागनक जो अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों में वो पहनते हैं। ये बिछुआ, ये जो अपने लेफ्ट स्लीव्स में वो लेफ्ट हैंड के स्लीव्स में छुपाते हैं। और ये होता है ये जायर टॉप, वो अपने सर पे पहनते हैं और इसके ऊपर वो अपनी पगड़ी को बांधते हैं। एंड दैट इज़ द दंड पट्टा। ये देखिए, ये होता है इस तरीके का, वो अपने हाथ में वो कैरी करते हैं। इस तरीके से वो पूरे रेडी हो जाते हैं, ठीक है, उस अफजल खान को फेस करने के लिए, उनका सामना करने के लिए। ऑल द सरदार्स वर वेटिंग आउटसाइड। अब जो सारे सरदार होते हैं, वो बाहर की तरफ, शामियाने के बाहर की तरफ, शामियाने के बाहर नहीं, शिवाजी का इंतज़ार करते हैं। जो सरदार होते हैं वो सब इंतज़ार करते हैं। शिवाजी टर्न टू देम। अब क्या होता है, शिवाजी उनकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, फ्रेंड्स, ईच वन ऑफ यू मस्ट कैरी आउट द ड्यूटीज़ असाइन टू यू। के दोस्तों, तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, तुम उसे बखूबी निभाओ, उसे पूरी करो। आई एम श्योर द गॉडेस भवानी विल सी दैट वी सक्सेड। और मुझे यकीन है कि जो गॉडेस भवानी है, वो हमें जीतता हुआ देखना चाहेंगी। बट इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग एंड आई एम किल्ड, डू नॉट लूज हार्ट। अगर कुछ गलत होता है या फिर मैं मारा जाता हूँ, तो अपने मतलब उम्मीद मत खोना, अपना दिल ना खोना। इंस्टॉल संभाजी ऑन गादी। अब उनकी जो गादी है, जिस पे शिवाजी होते हैं, उस पे उनके बेटे संभाजी राजे को मतलब बिठाया जाए, मतलब शिवाजी के बाद जो भी कौन संभालेगा, संभाजी
संभालेंगे, तो उन्हें उस गद्दी पे बिठाया जाए। फॉलो दी कमांड्स ऑफ माँ साहब, और माँ साहब के कमांड्स ऑर्डर को फॉलो किया जाए। फाइट फॉर स्वराज एंड एक्सटेंड इट्स बाउंड्रीज, और स्वराज के लिए फाइट करते रहो और उसकी बाउंड्रीज को बढ़ाते चले जाओ। मेक द सब्जेक्ट हैप्पी, और लोगों को हमेशा खुश रखना। आई शेल गो नाउ टू मीट द खान, अब मैं चलता हूँ खान से मिलने के लिए। ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज वकील पंताजी गोपीनाथ एंड 10 बॉडी गार्ड्स इंक्लूडिंग जीवाजी महला, संभाजी कावजी, येसाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्धि इब्राहिम एंड अदर्स। अब उनके साथ उनका वकील पंताजी गोपीनाथ होते हैं और 10 बॉडीगार्ड्स होते हैं। उनमें से ये जो कुछ जैसे मैंने नाम बताया, जीवाजी है और संभाजी, येसाजी, कृष्णाजी और सिद्धि इब्राहिम और कुछ और भी लोग उनके साथ निकल पड़ते हैं। व्हेन शिवाजी रीच्ड द शामियाना, ही सॉ दैट द खान ऑलरेडी हैड ऑलरेडी अराइव। जब शिवाजी शामियाने की तरफ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो अफजल खान है वो पहले ही वहाँ पे आ चुका होता है। ही वॉज बिजी प्लानिंग हिज फ्यूचर मूव्स, और वो फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान कर रहा होता है, उसमें वो बिजी होता है। स्टैंडिंग बाय हिज साइड वॉज एन आर्म्ड सोल्जर बड़ा सैयद बाय नेम। अब अफजल खान के जो पास में है एक आर्म्ड सोल्जर, मतलब सिपाही फौजी होता है जो उनके पास खड़ा होता है, उसका नाम होता है बड़ा सैयद। ही वॉज हाईली स्किल्ड इन द यूज़ ऑफ दंड पट्टा, और वो दंड पट्टा यूज़ करने का बहुत ही माहिर होता है। शिवाजी केम टू द एंट्रेंस ऑफ द शामियाना बट ऑन सीइंग बड़ा सैयद ही स्टॉप्ड एंड वुड नॉट प्रोसीड फर्दर। शिवाजी जो है वो एंट्रेंस शामियाना के एंट्रेंस के पास आ जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि बड़ा सैयद वहाँ है तो वो आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं। द खान आस्क शिवाजी वकील वाई शिवाजी स्टूड एट द एंट्रेंस इंस्टेड ऑफ कमिंग इन। जो खान है वो शिवाजी के वकील से पूछता है कि शिवाजी एंट्रेंस के पास क्यों खड़े हैं जबकि उन्हें अंदर आना चाहिए। द वकील सेड ही इज़ अफ्रेड ऑफ बड़ा सैयद। वकील क्या कहता है कि वो बड़ा सैयद से डरते हैं। प्लीज़ आस्क हिम टू गो अवे, आप उनसे कहिए कि वो यहाँ से बाहर चले जाए। बड़ा सैयद मूव्ड अवे एंड शिवाजी स्टेप्ड इन। जब बड़ा सैयद उस शामियाने से बाहर आ जाते हैं तो शिवाजी अंदर की तरफ चले जाते हैं। द खान गॉट अप एंड सेड, अब खान वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कम शिवाजी राजे लेट अस एम्ब्रेस ईच अदर एज अ मार्क ऑफ अवर फ्रेंडशिप, आओ हम दोनों गले मिलते हैं हमारी दोस्ती के लिए। देखिए ये है शिवाजी, जो लेफ्ट में है वो शिवाजी है, ये है शिवाजी, ओके। और ये पर्सन जो है देखिए कितना जायंट पर्सन है, कितना मतलब ताकतवर है, ये जो है अफजल खान है। द स्ट्रगल विद द खान, अब जब शिवाजी की झड़प खान अफजल खान से होती है तो क्या क्या स्ट्रगल होते हैं। शिवाजी महाराज कॉशियसली टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड द खान टुक हिम इन हिज एम्ब्रेस। शिवाजी जो है बहुत ही होशियारी से आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो खान है उनको अपने मतलब ही टुक मतलब अपनी कहते हैं ना कि अपने हाथ की जकड़ में ले लेता है। कंपेयर टू दी जैंट खान शिवाजी वॉज शॉर्ट, अभी देखा आपने एज़ कंपेयर टू मतलब ये इस अफजल खान के शिवाजी है वो कितने छोटे हैं, तो शिवाजी क्या थे उस खान के सामने बहुत ही छोटे थे। ही रीच्ड ओनली एज फार एज द खान्स चेस्ट, वो सिर्फ खान के चेस्ट तक ही पहुंच पा रहे थे। एट द सेम मोमेंट द खान हेल्ड शिवाजीज नेक इन हिज आयरन ग्रिप एंड स्टैब्ड हिम ऑन द साइड विथ हिज डैगर। डैगर मतलब
खंजर होता है ना, घो खंजर मारना, तो क्या करता है एक तरफ वो क्या करते हैं शिवाजी को अपने शिवाजी की जो गर्दन है एक अपने हाथ में दबोच लेते हैं और दूसरी तरफ खंजर से दूसरे हाथ से शिवाजी पर हमला करते हैं, उन्हें घोप देते हैं। इट टोर अपार्ट शिवाजी इज रोब बट द कोट ऑफ मेल अंडरनीथ सेव्ड हिम। वो क्या होता है जैसे ही अफजल खान उनके ऊपर वार करता है शिवाजी के जो ड्रेस होती है वो फट जाती है, लेकिन जो उन्होंने अंदर जो कोट ऑफ मेल जो लोहे की मेटल से जो जैकेट पहना हुआ था लोहे की मेटल का उसकी वजह से वो बच जाते हैं। शिवाजी नोइंग दैट द खान वॉज ट्राइंग टू किल हिम। अब शिवाजी जान लेते हैं कि खान जो है उन्हें मारना चाहता है। क्विकली थ्रस्ट द वागनक इन द खान्स स्टमक। और बहुत तुरंत ही वो क्या करते हैं उस वागनक से, देखिए वागनक ये देखिए ये जो होता है वागनक इससे उस अफजल खान पर उस अफजल खान के पेट पर वो अफजल खान के पेट पे वो हमला कर देते हैं। ड्रॉइंग आउट द बिछवा विथ हिज राइट हैंड ही ड्रॉ इट इनटू द खान्स स्टमक। और सीधे हाथ से जो छोटा सा खंजर होता है वो बाहर निकालते हैं और वो भी उससे खान के पेट पे हमला कर देते हैं। एंड टोर अपार्ट हिज गट्स। अब और उसके पेट पे हमला करते हैं और उसके पेट को फाड़ देते हैं, ठीक है। द वाउंडेड खान फेल डाउन। और जो ज़ख्मी खान होता है वो गिर जाता है। खान्स वकील कृष्णा जी भास्कर केम फॉरवर्ड एंड अटैक्ड शिवाजी विथ हिज स्वॉर्ड। जो खान का वकील होता है कृष्णा जी भास्कर वो फौरन सामने आता है और शिवाजी पे अपनी तलवार से हमला करता है। बट शिवाजी killed him with one stroke of the patta। बट शिवाजी जो है उस दंड पट्टे के एक ही स्ट्रोक से एक ही वार से उसको ख़त्म कर देते हैं कृष्णा जी भास्कर को। When बड़ा सैयद heard the shouts and noise, he rushed into the शामियाना। और जब बड़ा सैयद जो शामियाने में हलचल हो रही होती है आवाज़ शोर हो रहा होता है वो सुन के वो अंदर की तरफ आ जाता है। As he about to strike शिवाजी, शिवाजी महाला came between them and killed बड़ा सैयद with one stroke। और जैसे ही एज ही अबाउट टू स्ट्राइक मतलब जैसे ही वो जो बड़ा सैयद है शिवाजी पे हमला करने आता है अटैक करने आता है जो शिवाजी माला होता है वो उन दोनों के बीच में आता है और बड़ा सैयद को एक ही वार में ख़त्म कर देता है। बिकॉज ऑफ जीवा शिवाजी वॉज सेव बिकम द कॉमन सेइंग आफ्टर वर्ड्स। और फिर कुछ टाइम के बाद ये कहावत बन जाती है कि जीवा की वजह से शिवा बचा। संभाजी कावजी डिस्प्लेड ग्रेट ब्रेवरी इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। इस मौके पर मतलब जो होने वाला जो मुकाबला होता है उसमें संभाजी कावजी बहुत बहादुरी दिखाते हैं। द रॉट ऑफ अफजल खान्स आर्मी। अब रॉट मीन्स तबाही। अफजल खान की आर्मी जो है वो किस तरीके से बर्बाद हो जाती है। दस विद ट्रायम्फ शिवाजी वेंट अप द फोर्ट। The gun boomed and gave the signal। शिवाजी जो है जो विक्ट्री जो वो अचीव कर लेते हैं क्या कि उन्होंने जो अफजल खान को मार दिया होता है इस विक्ट्री के साथ वो क्या होते हैं उस महल मतलब फोर्ट के ऊपर की तरफ जाते हैं और गन को मतलब चलाते हैं और इशारा देते हैं। ऑन द इंस्टेंट शिवाजी ट्रूप्स कम आउट ऑफ देयर हाइडिंग एंड अटैक्ड खान्स आर्मी। और जैसे ही उनके शिवाजी की जो आर्मी जो उनके लोगों को इशारा मिलता है वो क्या होते हैं जो छुपे होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं और खान की आर्मी पे अटैक कर देते हैं। द खान्स आर्मी वॉज कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर द अटैक एंड वॉज कॉट इन डिफ़िकल्ट टेरेन। अब जो खान की जो आर्मी होती है वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होती है कि इस तरीके से अटैक होने वाला है और वो सब जो है वो बहुत एक डिफ़िकल्ट स्पॉट पर आ जाते हैं बहुत परेशानी में आ जाते हैं। दे कुड नॉट इवन रन अवे टू सेव देयर लाइव्स। अब उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचता है कि वो वहाँ से भाग सके और अपनी जान बचा सके। द मराठा ट्रूप्स चेस्ड दैम इन हॉट
pursued and destroyed the whole of the Khan's powerful army. जो मराठा ट्रूप्स होते हैं, मराठा लोग होते हैं आर्मी, वो क्या करते हैं, इस अफजल खान की आर्मी का पीछा करते हैं और बहुत तेज़ी से पीछा करते हुए उस अफजल खान की जो ताकतवर आर्मी होती है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं. फजल खान, अफजल खान सन्स हु एस्केप्ड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी रीच्ड बीजापुर. जो फजल खान, जो अफजल खान का बेटा होता है, वो वहाँ से किसी बहुत मुश्किल से भागकर बीजापुर पहुँचता है. हिज अकाउंट ऑफ द डिज़ास्ट्रस कैंपेन स्प्रेड ग्लूम ओवर द होल ऑफ बीजापुर. और पूरे बीजापुर में इस बड़े नुकसान की जो बात है वो तेज़ी से फैल जाती है. शिवाजी दस हम्बल द मोस्ट पावरफुल सरदार ऑफ द बीजापुर कोर्ट. जो शिवाजी जो है बीजापुर कोर्ट के जो बहुत सबसे ज़्यादा पावरफुल सरदार होता है उसका खात्मा कर देते हैं, उसका एंड कर देते हैं. हिज फेम स्प्रेड एवरीवेयर. शिवाजी की जो फेम होती है, शोहरत है, वो हर जगह फैल जाती है. द सॉन्ग ऑफ हिज एक्सप्लॉइट्स वर हर्ड इन द हिल्स एंड द वैलीज ऑफ सह्याद्री. और जो उनके कारनामे थे वो हिल्स मतलब पहाड़ियों में और वैली सह्याद्री की वैलीज में एक मतलब जो उनके गाने गाए जा रहे थे कि मतलब उनकी वाहवाही हो रही थी. होप यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन. थैंक यू.